मध्य प्रदेश के अशोकनगर जाने से क्यों कतराते हैं नेता? एमपी के अशोकनगर से नेताओं के डर की असली वजह क्या है? अब तक आपने उत्तर प्रदेश के नोएडा के बारे में ये मिथक सुना होगा कि जो भी मुख्यमंत्री यहाँ आता है अपनी कुर्सी गवा देता है। उसी तरह एक मिथक मध्य प्रदेश के अशोकनगर विधानसभा सीट से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री अब तक अशोकनगर आया वो अपनी कुर्सी गवा चुका है। यही वजह है कि बड़े बड़े नेता यहाँ आने से डरते हैं। पहला वाक्य साल 1975 का है, जब एमपी में कांग्रेस की सरकार थी और प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसी साल सेठी पार्टी के एक अधिवेशन में शामिल होने अशोकनगर आए थे, लेकिन उसी साल 22 दिसंबर को उन्हें राजनीतिक कारणों से कुर्सी छोड़नी पड़ी। दूसरा वाक्य एमपी और छत्तीसगढ़ की सियासत के बड़े नाम रहे श्यामा चरण शुक्ला से जुड़ा है। साल 1977 में श्यामा चरण बतौर सीएम तुलसी सरोवर का लोकार्पण करने अशोकनगर आए थे। इसके करीब दो साल बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने पर उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। एमपी की राजनीति के दिग्गज कहे जाने वाले अर्जुन सिंह के सीएम के गवर्नर बनने की कहानी भी अशोकनगर से जोड़कर देखी जाती रही है। 1985 में अर्जुन सिंह एमपी के सीएम थे, तब राजीव गांधी पीएम थे, उन्होंने भी अशोकनगर का दौरा किया। इसी बीच सियासी हालात ऐसे बन गए कि पार्टी ने अर्जुन सिंह को प्रदेश से पंजाब भेजने का फैसला किया और उन्हें पंजाब का गवर्नर बना दिया गया। ऐसा ही कुछ पूर्व सीएम मोतीलाल बोरा, सुंदरलाल पटवा और दिग्विजय सिंह के साथ भी हुआ, जो किसी न किसी कारणवश अशोकनगर आए और उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। शायद यही वजह है कि प्रदेश के मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान अक्सर अशोकनगर जाने का कार्यक्रम टालते रहे हैं। पिछले साल उन्हें अशोकनगर कलेक्ट्रेट की नई इमारत का उद्घाटन करने जाना था, लेकिन वो नहीं गए। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।